हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आई हूँ। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे बोला था कि मैं स्ट्रेक्स का जो रेड वाला कलर होता है वो अपने बाल पर ट्राई करूँ और देखूँ कि उसका रिजल्ट कैसा है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके नीचे के बाल जो हैं वो रेड रेड हों और देखने में काफ़ी ट्रेंडी लगे। सो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैंने स्ट्रेक्स का हेयर कलर मंगवाया और ट्राई किया, और उसके बाद का रिजल्ट आप देखिएगा कि वो कलर एक्चुअल में हुआ या जैसा डिजायर रिजल्ट आप चाहते थे मिला कि नहीं मिला। मतलब कि पूरा मैं बताऊंगी कि मैंने कौन सा कलर खरीदा, कौन से नंबर का कलर खरीदा, कैसे अप्लाई किया, देन कैसे आफ्टर वॉश उसका कैसा रिजल्ट आया है। तो वो सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से उसका रिजल्ट आया है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में एक जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सके। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रीक्स का ये लेना है रेड कलर, जिसमें मैं आपको शेड दिखा रही हूँ 0.06 का फ्लेम रेड लेना है। और इसमें कंडीशनर भी आपको मिल रहा है, और एक डेवलपर है, एक कलर है, और गाइड भी है कि किस तरह से, गाइड में क्या क्या है, कैसे यूज़ करना है। और आपको इसे नॉन मेटालिक यानी कि स्टील के बर्तन में नहीं यूज़ करना है, या तो प्लास्टिक या तो कांच के ही बर्तन में आप इसका मिक्सचर बनाइए। तो जितना आपका जैसे बाल लंबे हो तो पूरा ले लीजिए, तो जैसा है वैसा करिए, और दोनों को आपको इक्वल मात्रा में मिला के बहुत अच्छे से पेस्ट बना। मैं इसे अभी पेस्ट नहीं बनाऊंगी, जब मेरे बाल अच्छे से ट्रायंगल फ्री हो जाएंगे देन मैं इसे मिक्स करूंगी। और ग्लव्स का यूज़ कर रही हूँ, ग्लव्स इसमें मिलते हैं, तो ये वही वाले ग्लव्स हैं, और उसने मैं अपने रबड़ बैंड से सिक्योर करूंगी ताकि ये ना निकले कलर लगाने में। तो अब मैंने अपने हाथ को सिक्योर कर लिया है, तो चलिए कलर को लगाना स्टार्ट करते हैं। आपको अपने बालों को फुली टैंगल फ्री करना है, देन आपको कलर अप्लाई करना है। तो बीच ही मांग निकालिए, और यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल के दो पेजेस ले लीजिएगा ताकि आप इसे अच्छे से सिक्योर कर सकें। इसे टैंगल फ्री कर लिया है, देन आपको कलर को मिक्स करना है। पहले कलर को मत मिक्स करिएगा, और नॉन मेटालिक बर्तन यूज़ करिएगा, यानी प्लास्टिक और कांच का ही बर्तन यूज़ करिएगा। और अब मैं जो मैंने ग्लव्स पहने उसी से ही मिला रही हूँ, उस फिंगर से इजिली मिलाते हुए बन जाएगा और आपके हाथों पे कलर भी नहीं आएगा। पूरे बालों को अच्छे से ले लीजिए ताकि एक बाल भी ना छूटे। आप चाहें तो यहाँ से जहाँ से आपको कलर करना है वहाँ से रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं रबड़ बैंड नहीं लगा रही हूँ। आप वहाँ पर रबड़ बैंड लगा के देन उसको एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर रखें, लेकिन मैं विदाउट रबड़ बैंड ये काम कर रही हूँ, और मुझे जहाँ से कलर करना है उतने ही बाल मैं इस एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रखूँगी और कलर को यहाँ पर अप्लाई करूँगी। पूरा नीचे तक आप अप्लाई करिए, का बहुत अच्छे से मैं अप्लाई कर रही हूँ। जितना ज़्यादा कलर मैंने लिया है उसे दो पार्ट में डिवाइड करके देन आपको करना है। तो इस तरह से मैं कलर यहाँ पे लगाऊंगी, और ग्लव्स इसीलिए पहन रही हूँ ताकि हाथों में ये कलर ना आए। थोड़ा बहुत इधर उधर लगेगा जरूर, तो कोई पुरानी टी शर्ट ही पहन के इसे लगाइएगा। और एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एल्युमिनियम फॉइल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो घर की जो जिसमें आप सब्जी लाते हो वो काम इस पॉलीथिन से भी कर सकते हो। वो उस पॉलीथिन से आपको नीचे लगा के देन करना है, उसके बाद ऊपर से रबड़ बैंड करके उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है जुगाड़ू काम भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन हो सके तो एल्युमिनियम फॉइल भी यूज़ करिए, क्योंकि उसकी भी जो गर्माहट से है जो कलर ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है। और ये कि मेरा यहाँ पे कलर हो गया है, और मैं अब इसे जो है एल्युमिनियम फॉइल से यहाँ पे सिक्योर करने वाली हूँ।
आफ्टर वॉश, जब मैंने बालों को वॉश किया और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं बहुत ज्यादा जूम करके आपको दिखाऊंगी, बहुत ज्यादा लाइट कलर आया है, यानी जैसा आपने या मैंने डिजायर रिजल्ट सोचा था कि वो अलग से बालों का एक लुक आएगा या फिर बहुत ही अलग से रेडिश दिखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो मिक्स एंड मैच हो जाता है आपके बाल। ये आप देख सकते हैं दूर से इसका कलर, ये जब आप धूप में जाएंगे तो इसका कलर काफी खिल के आएगा, लेकिन वो बालों से अलग नहीं होगा, यानी वो बालों का ही एक पार्ट लगेगा। जैसे मैं चाहती थी कि वो बालों से थोड़ा सा अलग दिखे, यानी कि इतने बाल वो अलग दिखे और बिल्कुल लगे कि बालों का एक पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैंने कलर किया है तो उसका डिजायर रिजल्ट यह आया है, बहुत ही लाइट सा कलर चढ़ा है, आप देख सकते हैं पीछे के साइड में। तो अगर आप बहुत लाइट शेड चाहते हैं तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, वरना मैं तो नहीं चाहती पैसे बर्बाद करना है कि आप इसे लें। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भर भर के लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब, अगर चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।